नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक महा उपाय बताने वाली हूँ। इस दीपावली आप इस उपाय को कीजिए और सिर्फ मेरी कही गई बातों को मिला लीजिएगा। विद इन 1 to 2 months आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये जो उपाय है ये दीपावली के दिन से शुरू करके आप इसे अपने जीवन का एक पार्ट बना लीजिए। मैं बहुत ज्यादा क्रिटिकल चीजें नहीं बताती, बहुत इजी बताती हूँ जो सभी कर सके, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो का लाभ आपको बहुत मिलने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को देखिए। और अगर नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। ये वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे जीवन में कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ हर्ब्स होते हैं जो हमारे खाने के स्वाद को बढ़ाते हैं, आपकी सुंदरता को बढ़ाते हैं और साथ में आपको शांत भी करते हैं, लेकिन धन को आकर्षित भी करते हैं। क्या आप लोगों को पता है? पता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस मैंने इसी पर बनाए हैं और लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो इस दीपावली जो आप लोगों को करना है वो ये, एक चांदी का आपको एक दिया लेना है। मैंने इसे धनतेरस में खरीदा है, मैंने और भी चीजें खरीदी है, लेकिन मैंने ईश्वर को चढ़ाने के लिए ये दिया मैंने खरीदा। साथ में ईश्वर के श्रृंगार के लिए भी मैंने कुछ चीजें खरीदे हैं, सोने और चांदी के। लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये जो चांदी का दिया, जरूर आप लोगों ने भी धनतेरस के दिन खरीदा ही होगा चांदी का दिया, स्पेशली दीपावली की रात्रि को। दीपावली की रात्रि को आपको इसे देसी घी में जलाना है, इस दिए को, ठीक है। इस दिए को जलाकर आपको माता लक्ष्मी के समक्ष, घर के जितने ईश्वर देवी आपके घर में प्रतिष्ठित है उनके समक्ष आप एक चांदी का दिया दीपावली के दिन से शुरू करें। अगर आप रोज जलाते हैं तो वेरी गुड। जो लोग नया कर रहे हैं, धनतेरस में खरीदे हैं, वो लोग दीपावली की रात्रि से विशेष तौर पर इस दिए को तो प्रज्वलित करें, साथ में आप माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें, जो कमलगट्टे की माला, स्फटिक की माला या फिर रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। जो मंत्र मैं बता रही हूँ वो है ओम श्रीम श्रीय नमः। इस मंत्र का जाप खास तौर पर दीपावली की रात्रि को जरूर कीजिए। बहुत सारे लोग आकर पूछते हैं कि ये सारी चीजें क्या मतलब रखती है, आप अंधविश्वास फैला रही है। तो मैं आपको कह दूं कि जितने भी उपाय होते, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि कोई भी प्राणी अगर मेरे समक्ष अपने भाव से वो फूल, मिठाई, फल अगर अपने प्रेम से मुझे चढ़ाता है या फिर मुझे अर्पित करता है तो मैं उसे सब प्रेम स्वीकार करता हूँ। तो ये प्रेम ही है जो आप ईश्वर के लिए अपना प्रेम दिखाते हैं। आप ईश्वर को देख नहीं पाते हैं लेकिन आप ईश्वर को फील करते हैं। मूर्ति, आकार और निराकार ये दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, यानी ईश्वर को बताने के लिए। तो जो आकार हैं उनके समक्ष हम उन्हें अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं और उन्हें ही एक शक्ति का स्वरूप मानते हैं और उनके लिए हम ये सारे उपाय करते हैं। तो उन्हीं में से जो उपाय है वो है चांदी का उपाय, यानी चांदी का आपको ये दीपक लेना है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि अगर नहीं है तो क्या करें। नहीं है तो फिर आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से कीजिए, लेकिन चांदी विशेष तौर पर समृद्धि का सूचक है। अगर पूजा के पाठ में आपने देखा भी होगा कि बहुत जगह मान्यताएं होती हैं या फिर घरों में देखना कि चांदी के बर्तनों का प्रयोग ज्यादा होता है, तो इससे क्या होता है, घर की समृद्धि, घर के सुख और शांति, आर्थिक दृष्टि से ये काफी शुभ माना जाता है। तो इसीलिए इस दीपावली से आप घर में चांदी का दिया जरूर जलाइए। देखिए है ना खूबसूरत, ये मैंने लिया है अपने ईश्वर के लिए। ऑलरेडी मेरे पास है लेकिन फिर भी मैंने लिया है, क्योंकि हर साल एक उपहार मैं जरूर ईश्वर को देती हूँ, तो ये मेरा उपहार है। आई होप आप लोगों ने भी किया होगा। ये इन चीजों को कीजिए पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ और अपने जीवन में साक्षात माता लक्ष्मी को लेकर आइए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।